हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे सेवैया की कैरेमल खीर, वो भी कैरेमल क्रंच के साथ। ये देखने में जितनी डिलीशियस है, खाने में उतनी ही मज़ेदार है। तो चलो फटाफट से रेसिपी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम कैरेमल की खीर बना लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पे 1 लीटर लिया है मैंने दूध। ये फुल फैट दूध है। इसके अलावा हमें लगेगी 1 कप सेवई, ये भुनी हुई सेवई है, मार्केट में ये इजीली मिल जाती है। और हमें लगेगी 1 कप इतनी चीनी, 6 से 7 इलायची मैंने 1 टेबल स्पून चीनी डालकर पीस ली है। और कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने गार्निशिंग के लिए। और इसके अलावा हमें लगेगा 2 टेबल स्पून इतना घी। तो चलो खीर बनाना शुरू करते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई रख ली है और मीडियम फ्लेम पे इसमें सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून इतना घी डाल देते हैं। घी के मेल्ट होने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 कप इतनी सेवई। ये ऑलरेडी भुनी हुई सेवई है, लेकिन फिर भी हम इसे 2 मिनट तक के और हल्का सा भून लेंगे। ये देखिए इस तरह से, इसे ज़्यादा भूनना नहीं है हमें, बस हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक के हमें इसे भून लेना है। ये अब भून कर रेडी हो चुकी हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे दूध। सारा दूध डालने के बाद 1 चम्मच से इसे हम फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ये अब अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसे हम पकने देते हैं, सेवई अच्छे से गलने तक कि हम इसे पका लेंगे। सेवई को पकाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली 1-5 मिनट में ये अच्छे से पक जाएगी। बीच बीच में इसमें हम चलाते रहेंगे ताकि ये जो खीर है वो तले से हमारी लगे ना। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो सेवई अच्छे से गल चुकी है। अब हम कैरेमल बना लेते हैं, जिसके लिए हमने गैस पे सॉस पैन रख लिया है और उसमें 1 कप इतनी चीनी डाल ली है। और उसे इस तरह से चलाते हुए इसे हम मेल्ट कर लेते हैं। हमें इसका कैरेमल बनाना है, इसलिए हमने इसमें पानी का यूज़ नहीं किया है। और ये कैरेमल बनाते वक्त गैस की फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे। आप देख सकते हो चीनी जो है वो पूरी घुल चुकी है, यानी कि ये कैरेमल अच्छे से बन चुका है हमारा। अब हमने ये जो खीर बना ली थी उसके अंदर ये कैरेमल डाल देते हैं और इस खीर को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो कैरेमल डालने से खीर का कलर और टेक्सचर दोनों चेंज हो चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे इलायची पाउडर और इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे इसी तरह से 1-2 मिनट के लिए और पका लेते हैं। ये देखिए ये खीर जो है वो थोड़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। अगर आप फ्लोई चाहते तो और थोड़ा दूध इसमें शामिल कर सकते हो। अब इसमें हम थोड़े से कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर लेते हैं। अब हम कैरेमल क्रंच बनाएंगे, जिसके लिए हमने फिर से सॉस पैन रख लिया है और उसमें शामिल की है हमने 1/2 कप इतनी चीनी और इसे भी हम लो गैस पर मेल्ट कर लेते हैं। ये देखिए चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हमने मिक्स कर लिए हैं और ये जो एक प्लेट है जिसे हमने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है, उस पर हम ये कैरेमल क्रंच डाल लेते हैं सब। इसे 10 मिनट के लिए सिर्फ ठंडा होने देते हैं ऐसे ही। और इसे अब हम नाइफ से इस तरह से निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये कैरेमल क्रंच भी हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो चलो अब कैरेमल खीर जो है वो हम सर्व कर लेते हैं। इसे हम सर्व करेंगे मिट्टी के बर्तनों में, जिसे हमने आधे घंटे पहले पानी में भिगाने के लिए रखा था। खीर डाल लेने के बाद उसे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेते हैं और इसे सर्व करेंगे कैरेमल क्रंच के साथ। ये देखिए इस तरह से, तो रेडी हो चुकी है हमारी ये कैरेमल खीर सर्व करने के लिए। तो दोस्तों ये खीर जो है ये कुछ अलग और हटके है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, आपके फैमिली और फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।